नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर वीडियो एक नया जो है टाइप्स का है, बाइलिंगुअल। आज की वीडियो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी राजस्थान लाइब्रेरी जो है उसमें ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है नया 15 अप्रैल के अनुसार है, उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट का यूनिट 5 है। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजिंग सिंबल्स ऑफ द रिप्रेजेंट ऑपरेटर्स डाटा फ्लो एट्सेट्रा, अर्थात ऑपरेशन डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग से किए जाने वाले अरेखीय वर्णन को कहते हैं हम फ्लो चार्ट कहते हैं। हिंदी में अनुक्रम चार्ट भी बोला जाता है। और मैं हिंदी वाले ही प्रोनाउंसिएशन करूँगा ताकि वीडियो छोटी बने, जल्दी अपलोड हो। और अलग अलग तरह के मैंने बताया था कि क्वेश्चंस की वैरायटी मेरे पास बहुत है, तो ये उसी तरह का है। अब भंडारण क्षमता जो है उसकी, स्टोरेज डिवाइस हमारी कैसे होती है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या है, 1 बाइट कितने बिट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो ये टेबल्स है, शायद आप लोगों के पास हो या ना हो, नहीं है तो बहुत अच्छा, और है तो भी आप लोग इससे अपनी मेमोरी को रिवर्स गियर लगा करके दोबारा फीड कर सकते हैं अपने मेमोरी में डाटा। तो यह है बिट सबसे छोटी इकाई, फिर बाइट होती है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1024 हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है। MB हम लोग उसको बोलते हैं, शॉर्ट में KB। जैसे फोन की मेमोरी है आपकी कितने GB की है, तो गीगाबाइट से बड़ी इकाई क्या होती है, टेराबाइट। उसमें कितना होता है, 1024 GB होता है। फिर पेटाबाइट, पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट। फिर होता है एक्साबाइट, और 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होता है। फिर होता है जेटाबाइट, 1024 एक्साबाइट होता है 1 जेटाबाइट में। और सबसे बड़ा होता है योटाबाइट, जिसमें 1024 जेटाबाइट होती है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग अलग तरह से पूछ लिए जाएंगे। कंप्यूटर की वैरायटी, क्वेश्चंस की वैरायटी इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछित कंप्यूटर को संसाधन बनाने के प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोगता के लिए अनुपलब्ध हो, उसको कहा जाता है हमारा सर्विस अटैक डिनायल, एन अटेम्प्ट टू मेक द कंप्यूटर रिसोर्सिस अवेलेबल ऑन द इंटेंड यूजर इज कॉल्ड द डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज फीचर्स ऑफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट PDF, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का लाभदायक है, तो वह हमारा सपोर्ट्स इमेज फॉर्मेट, अर्थात छवि संरूप के प्रयोग का सहयोग, और गुड कंप्रेशन रेशियो, और अच्छा संकुचन अनुपात यह है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अभी देखते रहिए। ये आया जनरल इमेज फॉर्मेट, सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट क्या है, तो TIFF है, JPG और PNG है। MPEG सामान्य फाइल फॉर्मेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फाइल ऑफ MS DOS बुक्स डिस्क, तो ये हमारा command.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकित प्रीपथ इंटीग्रेटेड चिप IC का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, तो थर्ड कल भी बताया था मैंने, और 5th में हम AI का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यह विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिलीट द फाइल परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू प्रेस अर्थात किसी भी कंप्यूटर में स्थायी रूप से फाइल को हटाने के लिए कौन से विकल्प को दबाना होगा। तो शिफ्ट प्लस डिलीट एक साथ दोनों को दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिलीटेड फाइल स्टोर अर्थात जो हाल ही में हमने फाइल डिलीट की है वो कहाँ संग्रहित होती है। तो वह रिसाइकल बिन में होती है, मोबाइल के अंदर भी बहुत है रिसाइकल बिन और कंप्यूटर में तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिलीटेड फाइल स्टोर्ड अर्थात हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती हैं। तो रिसाइकल बिन में होती है। देखिए इसी को दूसरी तरीके से भी पूछा गया, रिसाइकल बिन वाला क्वेश्चन भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर में ब्लू प्रिंट या मूल खाका विकास का श्रेय किसको जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को जाता है इसका श्रेय। बिट के संयोजन को क्या कहते हैं, तो निबल कहते हैं, निबल नहीं नीबल होता है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज ओनली अर्थात कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। हम तो 2 डिजिट का प्रयोग उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर शेड्स विल बी डिस्प्लेड इन 11 बाइट्स इमेज। 256, 11 बिट के चित्र में 256 रंगों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में व्यवस्थित डाटा को खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाली आम तकनीक का नाम होता है बाइनरी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए बुलियन ऑपरेटर्स। तो एंड होगा, एंड 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 और नॉट दो होते हैं बुलियन ऑपरेटर। अकेला अकेला ट्रंकेटेड नहीं होना चाहिए, नॉट है ना, तो ट्रंकेटेड नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बुलियन ऑपरेटर में एंड और नॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी डिजिट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड है कि द्विदारी अंक सामान्यतः किस रूप में दर्शाता है। तो 0 और 1 के रूप में हम उसको दर्शाते हैं। ऑप्शन ठीक है सी हमारा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, बफर इज ए टेम्पररी स्टोरेज फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, बिट्स की स्ट्रिंग कहलाती है, बाइट कहलाती है, 8 बिट क्या होते हैं, 1 बाइट होती है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कल परसों परसों की वीडियो में बताए थे, तो पहली पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था, फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, डिलीट हो जा भाई, चलिए। तो फ्रेंड्स जब तक ये स्क्रीन से हट रहा है, चलिए हट गया है। ASCII, ASCII भी बोलते हैं, क्या होता है। तो इसमें कितने कोड होते हैं, 256 कोड होते हैं। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कैटलॉग, वो एक कोड है अमेरिका का ASCII। एक कंप्यूटर में K का मान कितना होता है, तो K का मान होता है KB, और KB में कितना होता है, तो 1024 बाइट होता है एक K के अंदर। वाट इज यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना की इकाई क्या है, बाइट होती है इसे, सबसे छोटी इकाई। आशिकी हैज हाउ मैनी कोड्स, ये हम कभी भी करवाए तो 256 है,
वो जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो हमने अभी पेटाबाइट मैंने एक टेबल दी थी, आप लोग उसमें से अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। द टेक्सचुअल मैटर ऑफ द रिप्रेजेंटेड एज ए स्टैंडर्ड कोड अर्थात मूल पाठ के मामले में मानक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है ASCII। ASCII में ए का दशमलव प्रारूप कितना है? तो 65 है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। अगला क्वेश्चन है, बेबेज एनालिटिकल इंजन प्रस्तावित किया गया था। तो ये हमारा 1835 में किया गया था, ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज द प्राइमरी मेमोरी। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक या मुख्य स्मृति होती है। कहीं मुख्य स्मृति का ऑप्शन दिया होता है, कहीं प्राइमरी का। तो दोस्तों ऑप्शन दोनों ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर, अर्थात कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाते हैं? तो कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग और स्टोरिंग डॉक्यूमेंट सब के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का हृदय क्या कहलाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग जो संग वह इकाई है उसको हम कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर आर मोस्ट सुटेबल फॉर द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी में सबसे सुटेबल कंप्यूटर क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो हरमन हॉलरीथ को कहा जाता है। हु डिजाइंड एनालिटिकल इंजन, तो एनालिटिकल जो इंजन है उसका को किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन से आउटपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। डॉस, लाइनक्स, विंडो किस तरह का उदाहरण है? तो ये उदाहरण हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है तो मैंने बताया था ना, या तो चार ऑप्शन दे देगा, चार में से कौन कौन से दो या तीन सही होंगे सीरियल से लगाइए, या मैचिंग के क्वेश्चन दे देगा। तो मैचिंग के क्वेश्चन भी एक दो मैंने दिए हैं यहाँ पे। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं और उनका जो है डेवलपर है। तो जुमला किस क्या है? ओपन सोर्स मैटर है। ड्रूपल का संबंध किसे ड्राइज बायर्ड से है। थंडर का संबंध हर्बर्ट वुडरा मीडिया से है। और टेस्ट पैटर्न का संबंध डीन एलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी फाइल फॉर्मेट। निम्नलिखित में से स्वामित्व संबंधी फाइल प्रारूप कौन सा है? तो RAR। कई बच्चों के कॉमर्स थे कि सर उसके ओल्ड क्वेश्चन कराइए, राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड के। तो फ्रेंड्स इसी के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चनों का समावेश किया जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में पहले पूछे जा चुके हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन में। इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस हैं। ए पाई ओ प्रोग्राम कोड दैट स्प्रेड्स बाई द मेकिंग कॉपीज ऑफ इट सेल्फ इज एन, अर्थात कंप्यूटर का कोड जो अस्तित्व स्वयं की प्रतियां बनाकर फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो बग या वायरस हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है माइक। ठीक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट
से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जुड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? मॉडम। मॉडम का क्या होता है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, किसमें हाईएस्ट कैपेसिटी होती इन ऑप्शन में से? तो ये किलोबाइट में होती है, नहीं किलोबाइट में नहीं, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट तथा मेगाबाइट, इन चार में से जो अक्षमता होती है ज़्यादा वो किस में होती है हमारी? तो टेराबाइट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट बी फंक्शन विदाउट सपोर्ट ऑफ वन, किसकी बिना मदद के कंप्यूटर हार्डवेयर कार्य नहीं कर सकता है? जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर हार्डवेयर भी कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस, कौन से आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, की बोर्ड हमारे इनपुट है, माउस और स्टाइल, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो अपाचे वेब ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब हमारा वेब ब्राउजर है इंटरनेट के। अगला क्वेश्चन है, जोटेरो क्या है? तो जोटेरो का संबंध हमारा बुक अधिग्रहण प्रबंधन प्रणाली से है, एक बुक एक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम से। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है, ये नेट में 2-3 बार पूछा जाएगा, KVS में, DVS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इवन राजस्थान में भी पूछा गया था शायद ग्रेड 3rd में 2018 या 20 में। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो वह साइट नोट। अगला क्वेश्चन है, फिर कुछ क्वेश्चन मैचिंग के लिए हैं, इन्फोमिक्स का संबंध DMS सॉफ्टवेयर से है, ओमनी पेज का संबंध OCR सॉफ्टवेयर से है, टिफ व्यूअर का संबंध इमेज सॉफ्टवेयर, टीम व्यूअर का संबंध रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर से है। तो मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिवाइज्ड माउस सिस्टम कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए माउस या मूसा नहीं है, प्रणाली को किसने बनाया था? तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, सर्च करिए फिर दीजिए आंसर। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली युक्ति कौन सी है? इनमें सबसे तेज प्रयुक्त होती है हमारी CD ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हो डिवाइस्ड माउस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, तो यह है DC, एजेंट बर्ट हैं। अच्छा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्या? कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निर्गत युक्ति है, सॉरी CD ड्राइव नहीं था, वो वीडियो था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइट मेमोरी, तो रैम है, परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, ए डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन टू द एनालॉग इंफॉर्मेशन कॉल्ड द मॉडम, सूचना को डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, यानी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कार्य कौन करता है? तो हमारा मॉड्यूलेटर करता है, मॉडम। अबेकस क्या है? तो अबेकस हमारा है साधारण गणना के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन मशीन है ना, एन एंशियंट डिवाइस टू सिंपल कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है कीबोर्ड, यानी कि किसके थ्रू सबसे ज़्यादा इनपुट करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर? तो हम कीबोर्ड पे ही टाइप करते हैं ना, तब वो इनपुट बनता है। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था? ISI कलकत्ता ने प्रयोग किया था, दैट इज़ द एजेंसी यूज्ड कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ISI कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC, ENIAC, ENIAC।
फर्स्ट पीढ़ी में कंप्यूटर था। ट्रांजिस्टर वर्स यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया जाता है, और थर्ड में आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। विच इज द फॉलोइंग नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो विंडोज हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फायरवॉल इज ए रिजेक्टेड एक्सेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द अनसेफ सोर्स। फायरवॉल क्या होता है? असुरक्षित स्रोतों तक पहुंच के लिए अनुरोध के किए गए अनुरोध को अस्वीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए प्रोग्राम आर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द डाटा प्रोसेसिंग। आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है। तीन चार जगह ये क्वेश्चन आ चुका है। मेमोरी की इकाई का क्या तात्पर्य है? तो मेमोरी की इकाई का जो तात्पर्य है वह है आंकड़े, निर्देश, प्रसंस्करण और परिणामों को रखना। द होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस्ड रिजल्ट, इट मीन्स मेमोरी यूनिट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज द ट्रांजिस्टर्स, अभी भी बताया था कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है? सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन आईसी। कंप्यूटर को सबसे पूर्व किसने डिजाइन किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर को डिजाइन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन थे। कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।